वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस। डू यू नो हु वाज मदर टेरेसा? हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? डू यू नो अबाउट पर्सन हु हेल्प अदर्स? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों की मदद करता हो? रीड अबाउट समवन हु स्पेंट हर लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स, उसके बारे में पढ़िए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मदर टेरेसा की, और यह हम लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक सनशाइन क्लास 5 के 23वें वीडियो में पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने 22 वीडियो बनाया है, अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मदर टेरेसा की। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए इस कहानी का, और बहुत सारे लेसन हमें सीखने को मिलेंगे इस कहानी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यह है मदर टेरेसा, हम लोग शुरू करते हैं। इट वॉज इन द ट्रेन आई हर्ड द कॉल टू गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स। कहता है ट्रेन में मैंने सुना था कि सारे सांसारिक चीज़ों को, वर्ल्डली थिंग्स मीन्स होता है सांसारिक चीज़ें, अर्थात सांसारिक मोह माया अपनी इच्छा अभिलाषा को त्याग देना, गिव अप मीन्स त्याग देना, कि त्याग दो अपने सांसारिक मोह माया को त्याग दो एंड फॉलो हिम टू स्लम्स, और गरीबों की बस्ती में जा कर के उनका अनुसरण करो, टू सर्व हिम ताकि उसकी सेवा कर सको, गरीबों की सेवा कर सको, एमोंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो कि गरीबों में गरीब हो, अर्थात उनकी सेवा करो जो गरीबों में भी गरीब हो, अर्थात जिसे निहायत गरीब कहेंगे या बहुत ज़्यादा गरीब, अत्यंत गरीब है, उनकी मदद करो। और ये कौन कह रही है? सी रिकॉल्ड, है ना, उसने याद किया। दिस वॉज द इनर वॉइस ऑफ मदर टेरेसा, यह मदर टेरेसा का के अंदर की आवाज़ थी, अंतरात्मा की आवाज़ थी। हु सेक्रीफाइस्ड हर होल लाइफ, जिसने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, बलिदान कर दिया, फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस, गरीबों और लाचार लोगों के लिए। मदर टेरेसा वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, मदर टेरेसा एक महान व्यक्तित्व थी। सी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। एज ए चाइल्ड सी वॉज कॉल्ड गोंझा, और बच्चे के रूप में उसे गोंझा कहा जाता था, अर्थात बचपन का नाम उनका गोंझा था। हर फादर डाइड व्हेन सी वॉज ओनली 9 ईयर्स ओल्ड, उसके पिता उस समय ही मर गए थे जब वह केवल 9 साल की थी। सी हैड टू सिबलिंग्स, उसके 2 भाई बहन थे, आगा एंड लजर। हर मदर ड्राना यर्न्ड ए लिविंग बाय सेविंग, उनकी माँ जिसका नाम था ड्राना, वो सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। हर मदर वाज मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रेन, उसकी माँ अपने बच्चों के धार्मिक शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी, वह चाहती थी कि उसके बच्चे को धार्मिक शिक्षा मिली। द चिल्ड्रेन वेयर टाउट टू ट्रीट द पुअर विथ रिस्पेक्ट, बच्चों को सिखाया गया कि गरीबों को आदर के साथ व्यवहार करें, गरीबों से आदर के साथ व्यवहार करें, उनका सम्मान करें। एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की आयु में गोंझा बिकेम ई नन, गोंझा एक नन बन गई, अर्थात जो चर्च में सेवा करती है पुजारी, है ना, उसे नन कहा जाता है, वो नन बन गई। When she was just 18, और जब वह केवल 18 वर्ष की थी, she made a vow to the church, तो उसने चर्च में एक व्रत लिया। She began to work for several religious retreats in Latness, वह बहुत सारे धार्मिक वापसी कार्यक्रमों में लेटनिस में भाग लेने लगी। मदर टेरेसा
ज्वाइन द सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो इन 1928। 1928 में मदर टेरेसा ने सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो नामक संस्था को ज्वाइन किया। सी रीनेम्ड हरसेल्फ टेरेसा और उसने अपना नाम रख लिया टेरेसा। इसके पहले उनका नाम क्या था? गोंझा। इन 1929 टेरेसा अराइव्ड इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, टू सर्व पीपल। 1929 ईस्वी में वह कलकत्ता आई लोगों की। सी स्पेंड द नेक्स्ट 17 ईयर्स एट सेंट मेरी स्कूल इन कोलकाता। वह संत मेरी स्कूल कोलकाता में 17 वर्ष बिताई। मदर टेरेसा स्टार्टेड टीचिंग 5 स्लम चिल्ड्रेन ऑफ कोलकाता। मदर टेरेसा ने 5 गरीबों की बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, अर्थात 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया उन्होंने शुरुआत में कोलकाता में। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सम गर्ल्स केम टू हेल्प हर। दूसरे दिन कुछ लड़कियां उनकी मदद के लिए आ गई। ए काइंड मैन गेव हर ए सिंगल रूम, और एक दयालु व्यक्ति ने उसे एक कमरा दे दिया। इन दिस वे सी स्टार्टेड हर वर्क, और इस प्रकार उन्होंने अपना काम शुरू किया। आगे देखते हैं कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके सिलेबस में है और मदर टेरेसा के बारे में तो हर किसी को जानना चाहिए, इसलिए जानिए और देखते हैं आगे क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सी फाउंड ये वीमेन हाफ ईटन बाय एंट्स एंड रैट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ ए हॉस्पिटल। वह एक हॉस्पिटल के सामने एक महिला को पाती है जिसे चींटियों ने और चूहों ने आधा खा लिया था, अर्थात आधा खा चुके थे उनको। मदर टेरेसा सर्व्ड द वीमेन अंटिल शी डेड, और मदर टेरेसा ने जब तक वह मरी नहीं तब तक उसकी सेवा करती रह गई। सी अपील्ड टू द अथॉरिटीज फॉर ए बिल्डिंग। उसने अधिकारियों से एक भवन का, एक बिल्डिंग का डिमांड किया, आवेदन किया, सभी से प्रार्थना करने लगी कि हमें एक भवन दे दीजिए, बिल्डिंग दे दीजिए। वेयर सच पुअर एंड हेल्पलेस पीपल कैन एंड देयर लाइफ विथ डिग्निटी, कि जहां ऐसे गरीब और लाचार लोग अपने जीवन को शान से अंत कर सके, अर्थात कम से कम शांति से सम्मानजनक तरीके से वो अपना अपना देह त्याग कर सके, मृत्यु को प्राप्त हो सके। सी वाज गिवन ए हॉस्पिटल, तो उन्हें एक हॉस्पिटल दे दिया गया। सी नेम्ड दैट हाउस निर्मल हृदय, और उसने उस घर का नाम, उस हाउस का नाम रख दिया निर्मल हृदय। यह जीके में भी आता है। मदर टेरेसा डिवोटेड हर लाइफ टू सर्व 3 टाइप्स ऑफ पीपल। मदर टेरेसा ने 3 तरह के लोगों की सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पहला हेल्पलेस पीपल, लाचार लोग। दूसरा अनवांटेड चिल्ड्रेन, अनचाहे बच्चे या अनाथ बच्चे जिसे कह सकते हैं। एंड लेपर्स, अर्थात कुष्ठ रोगी। इन सभी की सेवा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। सी क्रिएटेड ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ होम फॉर द पुअर। उसने एक वैश्विक स्तर पर एक नेटवर्क चलाया कि गरीबों के लिए घर, है ना, गरीबों के लिए घर होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। प्रोवाइडेड होम टू दोज पर्संस हु यूज टू लाई ऑन द स्ट्रीट। वह वैसे लोगों को घर देने का काम करते थे जो गलियों में पड़े रहते थे, जिनको रहने के लिए अपना घर नहीं होता था। मदर टेरेसा वाज अवार्डेड पद्मश्री एंड भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मदर टेरेसा को पद्मश्री और भारत रत्न पुरस्कार दिया गया भारत सरकार के द्वारा। सी ऑल्सो गोट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979, और उन्हें
1979 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला। हर नोबल वर्क गोट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, उनका जो नेक काम था वो पूरे विश्व में जाना गया, प्रसिद्ध हुआ। सी डाइड ऑन 5 सितंबर 1979 और उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हो गई, एट द एज ऑफ 87, 87 वर्ष की आयु में। हर लाइफ इंस्पायर्ड द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और उसके जीवन ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया पूरी दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में के लोगों को उनका जीवन से प्रेरणा मिली। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं। स्लम मीन्स होता है गरीबों की बस्ती, गरीबों की घनी बस्ती कह सकते हैं। सेविंग मीन्स बचाना या रक्षा करना। डिग्निटी मीन्स सम्मान। सिबलिंग मीन्स भाई बहन। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। ऑथोरिटीज मीन्स अधिकारी गण। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगा, आप देख लिख लीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप नंबर में हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा आप सही लिखें या गलत, और मैं आपको गाइड करूंगा। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, वेन वाज मदर टेरेसा बोर्न, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। तो मदर टेरेसा वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910, अर्थात मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्पिंग द पुअर, कि मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था गरीबों की मदद करने के लिए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यहाँ वाट के जगह पर लिख देंगे मिशनरीज ऑफ चैरिटी, बाकी सब यही चीज सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी इज द नेम ऑफ मदर टेरेसास ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्पिंग द पुअर। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड सी गेट नोबेल प्राइज फॉर पीस, सी गॉट गेट के जगह लिख देंगे गॉट, सी गॉट नोबेल प्राइज ऑन 1979, 1979 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए। व्हाट इज निर्मल हृदय, निर्मल हृदय क्या है। निर्मल हृदय वाज ए हाउस वेयर पुअर पीपल और हेल्पलेस पीपल पीपल कैन लिव एंड डाई विथ डिग्निटी। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवेन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है उसका सही रूप लिखना है। मदर टेरेसा टीचिंग चिल्ड्रेन इन द स्लम एट कोलकाता, ब्रैकेट में है बिगेन बिगन, तो यहाँ होगा बिगेन। सी टीचिंग विथ 5 चिल्ड्रेन, सी स्टार्टेड टीचिंग, यहाँ स्टार्टेड देंगे। नेक्स्ट डे सम गर्ल्स टू हेल्प हर कम केम, तो यहाँ क्या होगा केम, वर्ब का दूसरा रूप, हर जगह प्रयोग हो रहा है वर्ब का दूसरा रूप, क्योंकि कहानी पास्ट टेंस में। सी ये वीमेन हाफ इटेन बाय एंट्स एंड रेट्स, सी फाउंड, सी फाउंड या फाउंड देंगे। सी द वीमेन अंटिल डाइड, सर्व हो गया सर्व, तो सर्व्ड होगा क्योंकि यहाँ वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करना है। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन ट्रू और फॉल्स लिखना है। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन 1910, बिल्कुल ट्रू है, इसको हम लोग यहाँ ट्रू लिख देंगे, ट्रू ट्रू। हर मदर नेम वाज गोंजा, फॉल्स, क्योंकि उसी का नाम गोंजा था, उसकी माँ का नाम नहीं था। सी नेम्ड द हाउस फॉर डाइंग पीपुल एज निर्मल हृदय, यह बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ हम लोग ट्रू लिखेंगे, निर्मल हृदय वही स्थान था। सी हेट्स लेपर्स, लेपर्स में होता है कुष्ठ रोगी, तो ये भी गलत है, वह किसी से नफरत नहीं करती थी, सभी से प्रेम करती थी, तो ये भी हो गया फॉल्स। सी डाइड ऑन 5 सितंबर 1979, सी डाइड ऑन 5 सितंबर 1979, ये बिल्कुल ट्रू है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा चैप्टर देखा और इसका क्वेश्चन आंसर भी किया। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।